चैनल इमामे असर दावते इंसानियत। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तथीर फातिमा एसएमएन चैनल पे आपका खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शबे कद्र। इमाम अली अलैहि सलाम की खिदमत पे एक शख्स आया और आके पूछने लगा, या अली, अल्लाह ने रमजान के महीने में शबे कद्र क्यों अदा किया? बस जैसे ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, इंसान की दुआ और अल्लाह की रहमत के बीच में इंसानों के गुनाह हायल हो जाते हैं, तभी इंसानों की दुआ अल्लाह के दरबार तक नहीं पहुँचती और यूँ इंसान मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, अल्लाह की रहमत से दूर रहता है। तभी अल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशर में इंसानों के लिए एक अजीम तोहफा लैलतुल कद्र अता कर दिया, ताकि इंसान अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने आप को वैसा कर दे जैसा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो और अल्लाह की रहमत, बरकत और खुशहाली उन तक पहुँच सके। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि शबे कद्र में मांगी हुई दुआ अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं हर शबे कद्र की रात दुआ मांगता हूँ पर फिर भी कबूल नहीं होती। इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, अपनी दुआओं से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लिया करो। वो शख्स कहने लगा, या अली, माफ़ी कैसे मांगे? तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, हर उस शख्स को माफ़ कर दो जिसने तुम पर ज़ुल्म किया, और फिर अल्लाह से कहो, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने हर उस तेरी मखलूक को माफ़ कर दिया जिसने मुझ पर ज़ुल्म किया। ऐ मेरे परवरदिगार, अब तू इस शबे कद्र के सबके मुझे माफ़ कर दे। जैसे ही आप अल्लाह की मखलूक को दिल से माफ़ कर दोगे, वैसे ही अल्लाह भी आपकी सारी गुनाहें माफ़ करके आपकी सारी दुआओं को कबूल कर देगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।